बाराबंकी से हैं एके जायसवाल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार सर। हकीम जी आदाब। जय हिंद जायसवाल साहब, स्वागत है आपका। जी हकीम जी, हमारे दो सवाल हैं। एक तो यह है कि हमारी वाइफ को माजून आर केयर ले रही थी, वो करीब 8-10 बार हो चुके हैं, लेकिन इधर उनको सर्दी जुकाम थोड़ा हो गया तो खांसी बहुत आ रही है। ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरा दिन ये कि जैसे कभी कभी थोड़ा बहुत दर्द होता है, एक बार तो एस केयर ले चुकी थी साइटिका में पूरा कोर्स, और हमने आर केयर ले लिया था, लेकिन कभी कभी इसे दर्द हो जाता है या वो चिक सी चली जाती है, तो उसके लिए गोल काला ले सकते हैं, गोल क्या? ठीक है, एहतियातन। हाँ देखिए, गौंसिया कभी कभी वैसे भी ले लेना चाहिए, जो उम्र में हम और आप हैं तो कभी कभी मैं भी ले लेता हूँ। मैं तो एक दो खुराक खाता हूँ और तंदुरुस्त रहता हूँ। मुझ पर ज़्यादा तेज़ी से असर होता है, लोगों पर कम तेज़ी से असर होता है, किसी को तेज़ किसी को हल्का, ऐसा फ़ायदा होता है। और कभी कभी कुछ होगा, वो कभी कभी होना भी चाहिए, तो ले सकते हैं आप ज़रूरत पड़ने पर, और बस दो चार खुराक लें और ठीक हो जाए, छोड़ दें। जैसे दर्द होता है तो हम एलोपैथिक दवा भी तो लेते ही है ना, और ठीक हो जाता है तो छोड़ देते, फिर इसको एलोपैथ की तरह यूज़ करें। अच्छा देखिए, ये मौसम जो है ये खांसी नज़ला बलगम छींकों का है, और इसमें अगर एक बार हो जाए ऐसा तो कोई परेशानी नहीं है। मैं भी मुतासिर होता हूँ बरसात के मौसम में, कभी एक बार एक साल में, पीछे से मुझे काफ़ी खांसी फंदे भी लग रहे थे, आपने देखा होगा मैं चैनल पे भी खांस रहा था, कभी कुछ कर रहा था, तो कभी कभी होना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि मानते हैं वैद्य और हकीम कभी कभी हो जाना चाहिए। अगर मुस्तकिल कोई परेशानी है तो वो दवा का तो आपका कोर्स पूरा होने वाला है, ये बरसात के बाद फिर आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती हैं आपकी पत्नी, और गर्म चीज़ें खाया करें, गर्म पानी पिया करें, और पीपलें जो होती हैं पीपला मूल उसका पाउडर बना के रख लें, एक चुटकी पीपला मूल खा लिया करें ऐसे ही, या शहद में मिलाकर, तो ये बरसात के मौसम के लिए बड़ा अच्छी है, कभी एक खुराक एक चुटकी ले लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं योगेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैम एक बार मेरी आपसे पहले बात हुई, मेरे सीने में दर्द, दो बार टाइफाइड हुआ था, निमोनिया हुआ था, सीने में दर्द रहता है, और मैं गौंसिया भी ले रहा हूँ, और लेकिन दर्द सीने में जकड़न रहती है, और गौन चिलगोजा भी ले रहा हूँ। कितने दिन से ले रहे? ये 2 महीने हो गए सर। हाँ अब तक फायदा होना चाहिए था, आप चाहें तो अपना कोई एक्सरे भी करा सकते हैं, ये इतने दिन में अगर कुछ भी फ़ायदा नहीं है तो आप एक्सरे ज़रूर कराएं या सोनोग्राफी कराएं, जो भी आपको डॉक्टर मशवरा दे, वरना इतने दिन में आपको फ़ायदा होना चाहिए था। जी तो सर आपके लिए क्या कुछ बेहतर है, हकीम साहब ने आपको बता दिया है। देखिए अगर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी लगता है कि नुस्खे जो आप अपना रहे हैं, जो हकीम साहब ने आपको रॉ मटेरियल बताए थे, या फिर आपने कहा कि चिलगोजा गौंद का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हल्का सा भी फ़र्क आपको दिखता है अपनी सेहत में, यानी कि थोड़ा सा सुधार दिखता है, तो सर उसको कंटिन्यू ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता है। या फिर आपसे कहना चाहूँगी कि जो हकीम साहब ने कहा है कि आप एक बार अपना टेस्ट करा लीजिएगा, डॉक्टर्स को भी फॉलो कर लीजिएगा। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। कर्नल वर्मा जी स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत कर्नल साहब। आदाब हकीम साहब। आदाब। कैसे हैं आप दोनों? भाई मैं तो ठीक हूँ, अब इनका हाल इनसे पूछ लीजिए। मैं भी ठीक हूँ। मैं ये एक बार एक ही सवाल एक है छोटा सा, ये जो बेल का मुरब्बा होता है वो ज्यादा बेहतर है या बेलगिरी का पाउडर ज्यादा बेहतर है? बड़ा अच्छा सवाल है। बेलगिरी का पाउडर जब बेहतर है, जब आप को अच्छा सा मिले साफ सा और उसे दूध में मिला कर लें तो बेहतर हो जाता है, इससे बेल के मुरब्बे से। बेल का मुरब्बा भी अच्छा है,
और जिन लोगों को डायबिटीज़ हुआ करे इसे धो के खा लिया करें, थोड़ी मीठे में डला हुआ होता है, क्योंकि दोनों चीज़ें बेहतर हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। कोई और सवाल कर्नल वर्मा जी आपका? शुक्रिया जी, शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप तो लोगों की बहुत मदद भी करते हैं, यानी कि आप उन लोगों तक वो नुस्खे पहुंचाते हैं जो ज़रूरतमंद हैं। तो सर ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही लोगों की खिदमत करते रहिए। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी अंजू जी, बताइए सवाल करिए। ओ कल मैंने पूछा था ना मेरे पति के बारे में कि उनको हाथों में एलर्जी है, तो चिलगोंजा और कलौंजी का सिरका बताया था ना डॉक्टर साहब ने, उनकी उंगलियां खराब है उसके, वो ठीक हो जाएगी क्या? वो सीमेंट और पत्थर का काम करते हैं ना, तो उंगलियां वो खराब है काफी दिनों से, काफी सालों से है उनको एलर्जी, उंगलियों में पानी भी आता है और घाव जैसी होती है, उंगलियां बहुत खराब है उनकी, इलाज बहुत करवाया उन्होंने। अभी करते हैं क्या? अभी काम करते हैं वो उसका? हाँ काम करते हैं, उनकी उम्र 55 साल है, वही है कमाने वाले घर में, पत्थर ईट पत्थर का काम करते हैं, सीमेंट से उनको एलर्जी बहुत होती है, सीमेंट से चढ़ जाती है सीमेंट। ठीक है ठीक है, वो इससे शुरू हो जाएगा क्या असर? ये कल आपने दवाई बताई थी ना। हाँ जरूर होगा, लेकिन ये ख्याल रखें कि जब अब काम करें तो कुछ दिन तक दस्ताने पहनकर काम करें तो उनको फायदा होना मुमकिन है। इस तरह अगर आप करेंगे तो उन्हें ये दवा दे सकते हैं। दस्ताने पहन लिया करें, तेल लगा के अगर दस्ताने पहन के काम किया जाए तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। इधर दवा अपना काम दिखाएगी, उधर ये एहतियात करेंगे तो बहुत आसानी उनको होना मुमकिन है। सुमित्रा जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम। नमस्कार जी। नमस्कार हकीम साहब, नमस्कार। जय हिंद। अच्छा मैडम, मेरे दो क्वेश्चन है मैडम। एक बार 6 महीने से गौन सिया ले रही हूँ। हाँ नमस्कार मैडम जी मैम। हाँ मैं 6 महीने से गौन सिया ले रही हूँ मैडम, तो मेरे पास दर्द है अभी भी। कितना है? कितना है मतलब? काफी ठीक हुआ है लेकिन पाँव का दर्द गया नहीं है मेरा। पाँव में, पाँव की थैलियों में जलन भी रहती है और पाँव का नीचे में दर्द भी रहता है। 6 महीने में ले चुकी हूँ और 1 महीने से एक समय ले रही हूँ, 7 महीने हो गए। कितना परसेंट फायदा तो कहे हम अगर कहना पड़े तो? नहीं फायदा मेरे को काफी है लेकिन वो गया नहीं है अभी 6 महीने से लेने से। ठीक है ठीक है, तो अब लेती रहूं क्या? जी सुमित्रा जी, मैंने इसको एक वक्त करा दिया आपको, क्योंकि दर्द तो चला गया है, जलन की वजह से जो परेशानी है उसमें काफ़ी टाइम लगता है, हो सकता है और 5-6 महीने आपको लेना पड़े। एक टाइम लेते रहिए, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, और जब आप लेटे बिस्तर पर सीधा लेट जाए ऐसे, और ये जो रुपट्टा महिलाएं ओढ़ती हैं उसको ऐसे लपेट के अपने कमर के जो नीचे के 5 डिस्क हैं उसके नीचे रख के थोड़ी देर लेटा करिए, दिन में 1-2 बार, 5-5 मिनट, जितना भी आप आसानी से लेट सकें। लेकिन जिसके जलन के साथ होता है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ये बात हमारे अनुभव में है, तो आप फिक्र ना करें। जहाँ भगवान ने इतना फ़ायदा दिया है इसे भी दे सकता है, हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, आप भगवान से और ज़्यादा मदद मांगें और कुछ दिन और इस्तेमाल कर सकते। लुधियाना से हैं मीरा शुक्ला जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम। भाई साहब को भी नमस्कार। जय हिंद मीरा जी, आपका स्वागत है। भाई साहब, जो आपने जैतून का नमक धनिया बताया था आपने, वो हम दे रहे 1 महीना हो गया, फर्क कोई पड़ता नहीं, नाखून नोचता रहता बैठा, नाखून नोचता रहता, गुस्सा बहुत आती है उसको, गुस्सा बहुत आती। 4 साल हो गए हमें, बी कॉम किया था, शादी भी हो गया, भाई साहब परेशान हम बहुत है, बहुत परेशान है। कोई ऐसा दवा इलाज तो हमने सारे कर लिए, कोई रिपोर्ट भी कुछ नहीं आती, कोई रिपोर्ट भी नहीं आती, रिपोर्ट में नहीं आता ये,
रिपोर्ट कुछ नहीं आता, हाँ ये डिप्रेशन रिपोर्ट में नहीं आता है। लेकिन देखिए इसमें 6-7 महीने साल भी लग सकता है। अगर आपको 5% भी फायदा नज़र आए तो आप इन्हें रोके नहीं और जो चाहे इलाज करते रहे। इससे हमने लोगों को फायदा होते हुए पाया। हरियाणा से हैं सुधा जी, स्वागत है आपका। शैलजा बिटिया सलाम आपको। सलाम मैम। मेरा मैसेज है आपको 1001 टाइम सलाम। धन्यवाद। सुबह के प्रोग्राम में नहीं जुड़ पाए, हमें बहुत खेद है। आप इतने हैसियतदार है, पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है आपके पास, इज्जत है इतनी, फिर भी अपने आप को छोटा बताते हैं। ये आपका बड़प्पन है। खुदा भी ऐसे इंसानों से प्यार करते हैं, तभी तो आप हमारे मसीहा बन गए। हम सह दिल से आपका सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। जिसको भी आपके नुस्खे बताते हैं वो ठीक हो जाता है। हम भी आपकी कृपा से दुआ के पात्र हो जाते हैं। आई वॉन्ट टू टच योर फीट बिकॉज यू डिजर्व इट। मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये है कि आप काली जीरा बताते हैं। हमारे यहाँ तो काली जीरी जो है हम अपनी गाय को देते हैं, जैसे पेट में अफारा आ जाए या मुंह में सूजन आ जाए, वैसे हम लोग भी उसे खा सकते हैं। क्या इसी को काला जीरा कहते हैं क्या? ये छोटे छोटे काले से तिनके होते हैं। और दूसरा सवाल ये, जैसे अपने बता रहे थे पीलिया सफेद भी होता है, काला भी होता है, और पीला तो होता ही है, कई रंग का होता है, तो सबका नुस्खा एक ही बराबर होता है या अलग अलग होता है, प्लीज बताइए। ठीक है सुधा जी, आप जब आती हैं हमें अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। बुरा इसलिए कि हम जैसे मामूली इंसान को आप इतना प्रेम करती हैं और मैं इस लायक नहीं कि मेरे पैर छुए जाएं। और यकीन करें कि हमारे साथ आप और इतने लोग जुड़े हैं, इसमें जो हमारी नियत का खालिस होना है इसलिए जुड़ गए। सबके साथ नहीं जुड़ते आप जैसे लोग खासतौर पर, और मेरी हैसियत तो कभी मुझे पता नहीं चलती। और मुझे जो भगवान देता है मैं अपनी ज़रूरत का रोक कर बांट देता हूँ, वो ख़त्म हो जाता है, फिर देता है, फिर अपनी ज़रूरत का रोक कर फिर बांट देता हूँ। तो मैं तो फ़कीर आदमी हुआ, और कब तक ये चल रहा है सिलसिला पता नहीं। वो दे रहा है तो हम भी दे रहे हैं, वो नहीं देगा तो हम भी नहीं दे सकते। और पैसा कोई हैसियत नहीं रखता। जो मेरा आपका ताल्लुक़ है ये बहुत अहम है कि मैं भी जो चाहता हूँ वही आप चाहते हैं, लोगों की खिदमत। आप तक मैं पहुँच गया, आप दूसरों तक पहुँच रही हैं। और ज़ीरा जो है वो दूसरा वाला जो होता है काला वाला ज़ीरा, वो कड़वा होता है और उसकी तादाद जो है एक चुटकी या दो चुटकी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और डायबिटिक लोग भी उसे इस्तेमाल करते हैं और वज़न घटाने के भी काम आता है, पेट के अफारे के लिए भी काम आता है। और जानवर की खुराक उससे 3-4 गुनी होती है इंसान से, तो जानवर को भी वो दिया जाता है। और क्या सवाल था इनका? पीलिया को लेके सवाल था। देखिए जो भी पीलिया होता है जॉन्डिस, वो 3 तरह के तो होते ही हैं, 3-4 तरह के, तो इसका ताल्लुक लीवर से है। लीवर के इम्प्रेस हो जाने से हमारे खून में तब्दीली आती है, पीला हो जाता है, सफ़ेदी आती है। तो नुस्खा तकरीबन एक ही होता है, और किसी को बहुत ज़्यादा हो तो उसकी प्रोटेंसी के लिए कुछ और दवाएं शामिल कर देते हैं। जैसे मैं कभी कभी बताता हूँ कि कुटकी मिला दें एक चुटकी, जिसको इंतहाई कोई बीमारी हो तो कुटकी एक दवा का नाम है, जड़ी बूटी है जो बाहर से सफ़ेद अंदर से हरी होती है, कड़वी बहुत होती है, पहाड़ों पैदा होती है। और ये वैसे खाओ मुंह में रखो तो फीकी लगती है, लेकिन जितनी देर रखो उतनी ही कड़वी होती चली जाती है, इसकी पहचान है। पहचान मैं इसलिए बताता हूँ कि लोगों को नकली ना मिल जाए, और मेरी जो एक तरह से जंग है
वो नक्कालों से ही है। मैं आप सोचते होंगे कि हर शो में मैं नकली असली करता हूँ, क्योंकि मेरे नुस्खेजात भगवान के हुक्म से काम करते हैं अगर दवाएं असली मिल जाए। काफ़ी लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो बेचारे गरीब भी होते हैं और उनको नकली दवा मिल जाती है, उनको फ़ायदा नहीं होता, तो मुझे उसकी बड़ी तकलीफ़ रहती है। तो लोगों को पहचान भी कराइए, दिखाइए भी, अपने पास की तस्वीर भी रखिए और यूट्यूब से उसकी असली नकली की तस्वीर या कैसा होता है, कोई भी शख्स यूट्यूब पेज हकीम सुलेमान खान को सर्च करें तो हर चीज़ आपको असली मैंने दिखाई है। और जितने नुस्खेजात मैं रोज़ बोलता हूँ उसमें ज़्यादातर यूट्यूब पर डाल देते हैं, आप सब्सक्राइब कर लें तो रोज़ाना नुस्खे मिलते रहें और मेरी ज़रूरत बहुत कम हो जाएगी, फिर आप इसको ट्राई कर सकते हैं जी।